एक बड़ी जानकारी असम से, जहां लामडिंग रेलवे जंक्शन पर अवैध गांजा जब्त हुआ है। रेलवे पुलिस ने करीब 15 किलो गांजा जब्त किया है। लामडिंग रेलवे जंक्शन पर अवैध गांजा जब्त किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन से ये जो गांजा है वो ले जाया जा रहा था। जब्त गांजे की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। रेलवे पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ इस मामले को लेकर जारी है। पर इन सबके बीच असम से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां लामडिंग रेलवे जंक्शन पर अवैध गांजा जब्त किया गया है। रेलवे पुलिस ने करीब 15 किलो गांजा जब्त किया है। अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन से ये गांजा ले जाया जा रहा था। के दौरान लामडिंग रेलवे स्टेशन में ये ट्रेन नंबर 15909 आरपीएफ स्कॉर्टिंग पार्टी ने जस्ट लामडिंग पहुंचने का पहले हमको फोन किया। कोच नंबर SA1 का नीचे बट सीट नंबर 4 का नीचे कोई बैग अनक्लेम बैग नोटिस किया। उसी दौरान जस्ट लामडिंग अराइवल का बाद हम एक साथ देखा, कोच को अटेंड किया, लेकिन वो बैग खोल के देखा सबके सामने इन प्रेजेंस ऑफ अवेलेबल विटनेस, वो बैग सस्पेक्टेड टू भी गंजा मिला। जस्ट वो ट्रेन से हम डिबोर्ड किया, उसके बाद हमारा अभी कस्टडी में है। के जी हम वेट मैन किया लामडिंग रेलवे स्टेशन में, इसमें 15 के जी अप्रोक्सीमेट। कितना आदमी का कोर्ट में है? सस्पेक्टेड 3 आदमी को हम सस्पेक्शन ग्राउंड में हमारा कस्टडी में कोच में लिया, लेकिन स्पॉट इंक्वायरी के दौरान ये कोच पैसेंजर और ये कोच स्टाफ के सामने हम पूछताछ किया, लेकिन वो लोग का वो नहीं था, अनक्लेम मिला है।